भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज पहला सोमवार था श्रावण मास का, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज है श्रावण महीने का पहला सोमवार, तो आज हम जाने वाले हैं भवनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। भाई साहब, ये होते हैं गुजराती लोग, मतलब रिक्शे में से गिर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मावा चाहिए, मावा सबसे पहले है इनके लिए। कितनी देर लगेगी? और अभी 5 या 10 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं भवनाथ। और आज सावन मास का पहला सोमवार है, तो भोले बाबा का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेके, और अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर में बस पहुंच रहे हैं। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ना कंचन माया, अपने श्याम का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया है आकर अलख जगाया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ मेला लगता है शिवरात्रि के दिन, और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, मेला घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं भवनाथ मंदिर, और अब हम जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। और उससे पहले हम बाहर तिलक करवाएंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे, और शाम की आरती में भी शामिल होंगे। तो अभी हम आए हैं, थोड़ी रुद्राक्ष की माला वगैरह खरीदनी है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रुद्राक्ष की माला, जो गले में पहने जाए और हाथ में भी पहनी जाए, दोनों टाइप की माला यहाँ अवेलेबल है। तो देखो इन भाई साहब के पास कितनी वैरायटी में है सब। यहाँ पे बाजू में सब ऐसा मिलता ही रहता है, जैसे कि रुद्राक्ष की माला हो गई, चांदी या सोने का कड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमने ये वाली माला पसंद की है, जो लकड़ी की है, लेकिन इसमें शिव जी नहीं पर हनुमान जी है। तो ये हमें पड़ी है 150 रुपये की, और इन भाई साहब को बोला है कि एक हाथ में पहनने वाली माला भी दिखाई जाए। तो ये देखिए, ये भी लकड़ी की है हाथ में पहनने के लिए, तो ये भी अब हम ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश भी आई हुई है, एग्जैक्ट आरती के टाइम ही बारिश हुई है, तो मौसम एकदम सुहाना हो गया है। तो ये भाई सबको देखिए, और अब हमने दर्शन कर लिए है, आरती भी पूरी कर ली है, और अब हम जाने वाले हैं सामने टपरी की चाय पीने। बारिश के मौसम में जो टपरी की चाय का मज़ा है वो अनोखा ही है। तो आपको महादेव के दर्शन करके कैसे लगा? देखिए, पहला सोमवार है श्रावण मास का, और बहुत मज़ा आया। हमारे पीछे महादेव का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला, और मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मुझे तो ज़्यादा खुश महसूस हो रहा है अभी, बहुत अच्छा। और बारिश भी चालू है, आरती हो गई है, आरती के एग्जैक्ट समय
बारिश चालू हुई है, चालू बारिश में हम महादेव के दर्शन करके आए हैं। तो आप भी बोलिए हर हर महादेव। महादेव के दर्शन करके हम अभी घर जा रहे हैं। बहुत बहुत मजा आया। आज हम आए थे जूनागढ़ भवनाथ पे महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज पहला सोमवार था श्रावण मास का। तो मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ मुझे जाना चाहिए, और महादेव ने बुलाया और हम चल पड़े उनके दर्शन करने के लिए। अभी घर जा रहे हैं। आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं और महादेव आप सबकी रक्षा करें। तो दोस्तों, हम यहाँ आए थे महादेव के दर्शन करने के लिए। श्रावण मास का पहला दिन है, इसीलिए हमने दर्शन किए और जैसा कि आपने देखा बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हम महादेव के दर्शन करके वापस अपने घर जा रहे हैं, और यहाँ गिरनार पे बहुत बहुत अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। काफ़ी सारे लोग थे जो महादेव के भक्त है, वो श्रावण मास में सभी लोग दर्शन के लिए आते हैं। और हम भाग्यशाली है कि श्रावण मास के पहले ही सोमवार को हमें महादेव के दर्शन हुए हैं। हम बहुत ही खुश हैं और आप सबके लिए भी दुआएं करते हैं। महादेव आप सबके साथ रहे, आप सबकी रक्षा करें, उनका हाथ हमेशा आप सबके ऊपर रहे। ऐसी मैं महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए सबको अलविदा।